ग्यारह आज चौथा रोजा या पांचवा? चौथा। वाह यार, सिर्फ 26 रोजे रह गए, पता भी नहीं चला। तूने इसलिए उठाया था मुझे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तोहा मेरे भाई, इस्लाम की रूह से आपने की है गलत बयानी, तो लिहाजा आपका रोजा मकरूह हो गया, क्योंकि चौथा रोजा नहीं पांचवा रोजा चल रहा है। तो आप उठ के मेरे भाई इफ्तारी कर लो, मैं आपके लिए पानी लेके आऊँ। 25 रोजे रह गए, पता भी नहीं चला। यार शम्स, इफ्तारी कितने बजे आज? यार तकरीबन 6:15 से 6:30 के दरमियान में। अच्छा 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 अच्छा। देखिए मोहतरम शम्स भाई, आपके फिरके के लिहाज से रोजा 6:21 और गोहर भाई आपका 6:11 पे इफ्तार होता है। इस लिहाज से गलत बयानी करने की वजह से आपका रोजा मकरूह हो चुका है। तो आप मेरे भाई इफ्तारी कर लें, आड़ू लाऊं आपके लिए? यार वलीद, मुझे एक बात तो बता, तूने 8 तरावियां पढ़ी है कि 20? यार मैंने 20 तरावियां पढ़ी हैं। तूने? यार मेरी तो 8 पढ़कर बस हो जाती है, तेरी हिम्मत है तू 20 पढ़ लेता है? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। देखो वलीद मेरे भाई, तुम मुसलमान होके झूठ बोल रहे हो, लिहाजा इस्लाम की रूह से तुम गुनहगार हो। ओ भाई, मैंने कौन सा झूठ बोला है? और मेरे भाई 20 तरावी पढ़ने में पूरा 1.5 घंटा लगता है, और अभी तो ईशा की नमाज को सिर्फ 30 मिनट गुजरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी 8 ही पढ़ के आए हो। वाकई यार, ये तो धोती खोल रहा है। और तुझे कैसे पता है? ओ भाई, मैं खुद 8 पढ़ के आया हूँ। और रुक, अम्मी जी आगो पता नहीं ईद आने वाली है, मेरी ईद के सूट का क्या करना है? हले ईच ने बड़े दिन पे ने, जब टाइम आएगा ना मैं तेनू ले जाऊंगी। अम्मी जी 2 दिन और गुजर गए हैं, क्या करना है मेरे सूट का? ती ये मेरी गल सुन, मैं तस्वीर पढ़ना, तस्वीर पढ़ के ना मौसम मीरा जी ने मैंने कहा कढ़ लिया, फिर तेरा सूट आएगा। हले ईद के 15 दिन पे ने, कह रहे तेनू ले जाऊंगी। अम्मी जी ईद सर पर आ गई है, अभी तक मेरा सूट नहीं आया है, बता दे क्या करना है। पिछले साल सूट तेन पवा फिर तेन अकल आए। मुझे पहले ही आप शक्ता बहाने लगाती रहती है, आपने मुझे वैसे ही सूट नहीं लेके देना है। आ लेंगे अब मैं भी आपको शिकायत लगाऊंगी। वे एबी, अजरा शौके ने दुकान तो मैंने बेसन लिया दे, मैं पकौड़े बनाने ने। यार हम अभी नहीं, अभी बड़ा रोजा लग रहा है यार। मैं तू रोजे नू लग जा, तेरे को और कोई बहाना नहीं है, दफा हो मार। अब्दुर्रहमान बेटा क्या कर रहे हो? ओ कुछ नहीं यार। उठो फिर, असर का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। यार पापा आप जाए, मुझे अभी बड़ा रोजा लग रहा है यार। तो बेटा ऐसे फाकों का फायदा जब नमाज नहीं पढ़नी, गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। ओए अभी उठो, इफ्तारी में 5 मिनट रह गए सिर्फ। ओ यार मैं नहीं करनी इफ्तारी, मुझे बड़ा रोजा लग रहा है यार। यार शमसा तुम क्या अपने बालों के साथ लगी जाती हो हर वक्त, तुम्हें पता नहीं रमजान स्टार्ट हो गया? आराम से ऑर्डर आ ही दिया है, अभी कौन सा रमजान शुरू हो गया, पूरा भी एक दिन पड़ा होगा। सिर्फ एक दिन, हमने तैयारी नहीं करनी? हाँ वैसे भी मैं तुम्हें बुलाने लगी थी, हमने कुछ डील्स करनी है इस दफा रमजान से पहले, चलाओ बैठे। हाँ बताओ क्या डील है? बात ये है कि इस दफा हर काम जो है डील के साथ होगा, हर दफा तुम काम चोरी कर लेते हो, इसलिए रमजान शुरू हो रहा है, मैं लिखूंगी कौन सा काम तुम्हारे जिम्मे है और कौन सा मेरे जिम्मे है। ओ हेलो, मैं काम चोरी इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम सारे काम मुझे दे देती हो और खुद एक काम रखती हो। ठीक है, अगर तुम्हें लिखना है तो हम सारे काम बराबर तकसीम करेंगे। देखा अभी रमजान आया ना, तुम्हारे बहाने पहले शुरू हो गए, इसलिए मैं लिख रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ सारी तुम बनाओगी या मैं? मेरे ख्याल से सारी तुम्हें अच्छी बनाना है, तुम बना लो। ओके सारी मैं बना लूंगी, लेकिन सारी के बर्तन तुम दोगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ मैं। अच्छा नेक्स्ट माय लिस्ट में घर की सफाई, सारी मैं बना चुकी हूँ, इसलिए घर की सफाई तुम करोगी। घर की सफाई भी मैं करूंगी? देखा मेरे हिस्से में तुमने 2 काम डाल दिए, खुद तुम्हारे पास 1 काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ लड़की हूँ। रुको जरा सब्र करो, तुम पहले लेने लग गई हो, अभी इतने काम पड़े हुए हैं, ये देखो सफाई तुम करोगी और कपड़े मैं दूंगी। हाँ अब ठीक है। इस पागल को पता नहीं है कपड़े सिर्फ हफ्ते में एक दफा धुलते हैं। अच्छा नेक्स्ट काम, मेन काम बताओ, इफ्तारी कौन बनाएगा? तो ऑब्वियसली तुम बनाओगी, मैं सारी बना चुकी हूँ, अब इफ्तारी तुम बनाओगी। अच्छा चलो ठीक है, पर इफ्तारी के बर्तन तुम दोगी? क्या मतलब सारे काम मैंने करने हैं, मैंने इतने काम ले तो लिए हैं, तुमने इफ्तारी भी बनानी है, इफ्तारी के बर्तन भी तुमने धोने हैं। ठीक है फिर ऐसे सहरी के बर्तन तुम धो लो। नहीं मैं क्यों दूं, मैं तो सहरी बनानी है और बर्तन भी मैं दूं, पागल हो तुम, तुमने धोने हैं बर्तन। नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, फिर एक काम कर लेते हैं, इफ्तारी से पहले वाले सारे काम तुम कर लो, इफ्तारी के बाद वाले सारे काम मैं कर लेती। लगता तुम पागल होगी, तुम कुछ समझ नहीं आ रहा, सेम ही काम चल रहे, तो सारे काम जैसे हैं वैसे करते हैं, इफ्तारी के बर्तन भी तुम देना, उसके बाद जितने भी काम होंगे सारे मैं करूंगी सारे। चलो ठीक है, मैं दिमाग ना खाऊं, डील डन। हां ठीक है डन। यार इसको तो बड़ा आसान काम दे दिया, ऐसा करती हूँ कि सर काम एक्सचेंज कर लेती हूँ। बात सुनो मेरी,
हाँ बोलो यार वलीदा, मैं सोच रही हूँ तुम ना बर्तन अच्छे धो देती हो और मैं सफाई अच्छी कर लेती हूँ, ऐसा करते हैं हम अपने काम एक्सचेंज कर लेते हैं। नहीं नहीं मैंने नहीं करना, मेरा थोड़ा सा काम रह गया बस। देखो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं और अभी तुमने पूरे घर की सफाई करनी है, देखो कौन सा काम कम है, ये मुझे दे दो। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करते हैं सारे काम एक्सचेंज करते हैं, मेरे सारे काम तुम्हारे, तुम्हारे सारे काम मेरे। यार देखो मैं तुम्हारी हूँ बड़ी बहन, इसलिए मैं तुम्हारा एहसास कर रही थी कि तुम्हारा काम ज्यादा है मैं कर लेती हूँ, लेकिन तुम है एहसान फरामोश, चूड़ी हो बहुत बड़ी, करो अपना काम। ओ हेलो, तुम्हारा इसमें कोई फायदा होगा इसलिए तुम यही बात बोल रहे हो, मेरे मुंह से गाली निकल रही, मैं रोजाना खराब करो। हाँ आई तुम बड़ी, मुझे तुम्हारा सारा पता, जो वॉशरूम जाके पानी पीती हुई थी तू वड्डी रो देता यार। नहीं किरो ना पाया थी दोवा ने का खाते सैरी दे, मैं तो पकाए नहीं, हूं जब तुम्हारी आवाज आई ना फिर देखना, चंगी भली मैं कुरान पढ़ा दी मैं डिस्टर्ब कर दिता, चलो अपना अपना काम करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोजा तो बहुत आराम से गुजर गया। हाँ हाँ तुम्हारा तो आराम से गुजरेगा, वो मैं हूँ जिसने तुम्हें बर्दाश्त किया। ओहो तुम वैसे हो अच्छी, लेकिन ये तुम्हारे में जो लड़ाई वाली आदत ना ये खत्म हो जाए ना तुम और अच्छी हो जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, ज्यादा बहस ना करो, नेक्स्ट टाइम से हमने सहरी और इफ्तारी जो है ना प्लानिंग के साथ बनानी है। प्लानिंग क्या मतलब तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने नेक्स्ट टाइम से मेन्यू डिसाइड करना है। हाँ ठीक है बताओ क्या आइडिया तुम्हारे पास? यार देखो आज हमने सहरी में खाए थे दाल चावल, कल हम सहरी में खाएंगे आलू वाला पराठा। हाँ ठीक है मैं समझ आ गई, लेकिन आज हम इफ्तारी में खाए थे समोसे और रोल, लेकिन कल इफ्तारी में हम बनाएंगे पकौड़े और कचौड़ियाँ। ठीक है और परसों की सहरी में क्या खाना है? जैसे कि हमने पिछले रोजे में खाए थे आलू वाले पराठे, नेक्स्ट हम खाएंगे कोई साधन कीमा खा लेंगे। कीमा और वो भी सहरी में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दो घंटे बाद तुम्हें रोजा लगने लग जाना। यार पागल देखो कीमे के साथ दही और लस्सी भी तो होगी ना, हम मैनेज कर लेंगे, तुम ये बताओ इफ्तारी में क्या खाना है? पाए। पाए और वो भी इफ्तारी में? तुमने पागल की पागल ही रहना, पाए इफ्तारी में कौन खाता है, सुबह खाते हैं सहरी में। यार मेरी बात सुनो, कहीं पे लिखा हुआ है कि सहरी में खाना है या इफ्तारी में खाना है, जब मर्जी खा लो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी आदत हो गई है, तुमने मुझसे बहस करनी करनी है। पागल पागल पागल, ओके ठीक है खा लेंगे पाए, लेकिन मैं अपना बाहर से मंगाऊंगी, लेकिन ये चार रोज के बाद पांच रोज हमने बाहर करना, जो मर्जी हो जाए। हां ये बेस्ट आईडिया। तुम्हारे दोवां दी की कन्ना फुसियां चल रही ने, कितने बाहर जाने की तैयारियां हो रही ने, बातें तो होंदिया नहीं, रमजान दे मेरे शर्म करो घर मरो बवो। अम्मी क्या हो गया, एक रोज हम बाहर से कर लेंगे, मर नहीं जाएंगे, इतना पैसा हमने कहां लेके जाना है? हाँ अम्मी सही तो कह रही है, सारी दुनिया जाती है बाहर खाना खाने। की मतलब बाहर अफतारी करनी है, तुम्हारे प्यो नु चीजा पसंद नहीं है, मैं कोई सत खासा नहीं किते जे मैं तुम्हारे खर्चे पूरी करा, हुन मेरी कान खोल के गल सुन लो, तुम्हारे प्यो ने जी मेरी गोते ना जी इन्नी कु रह गई वो भी ला देनी है, चुप करके घर बहिए मर लो, जो पके वही खाओ। अम्मी आज इफ्तारी बाहर ना करें। की क्या वे बारो इफ्तारी करनी है, वे तेरा दिमाग ठीक है, जी शैवा बनाइया ने हम मैं सुटना जाया करदा लोगों के घर देना, तू तो खानिया नहीं, हर टाइम जो देखो बारो इफ्तारी करनी, हले रमजान चढ़िया वे चौथा रोज आवे तेन बारो इफ्तारी करन की पै गई है, चुप करके ना घर बहिया, ए जे तू यारह के जाके पहने ना उन्होंने भी तेरा पीछा छड़ानी है ना, वो तेरा दिमाग खराब कर देने। अच्छा अम्मी आज चलते हैं। अच्छा तो तू बारो इफ्तारी करनी है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा मैं काम करनी है, ए फर ए बाहर जाके भैया बाहर रफ्तारी होएगी, आई समझ?